फाइब्रोमाइजेरिया जो है ये मायालजिया so, पूरा घंटा एक शो कर सकते हैं इसके ऊपर okay. इतना ये डिटेल टॉपिक है जो दो तीन जरूरी पैगाम है जो मरीजों को जरूर लोगों को जरूर बताने चाहिए एक तो ये कि इसकी तशीस करने के लिए तशीस करने <laughs> के लिए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है उसका मतलब ये कि हमें बाकी चीज़ें पहले रूल आउट करनी है वी हैव टू मेक श्योर कि आपको रोमोटॉइड तो नहीं है आपको आर्थराइटिस तो नहीं है, है। आपकी विटामिन डी नॉर्मल है आपको यानी कोई थायराइड तो स्लगिश नहीं है डायबिटीज़ तो नहीं है तो ये बहुत से टेस्ट हम पहले करके ये रूल आउट करेंगे ऐसा थार तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं इसके बारे में बहुत सी मिथ्स भी मशहूर हैं और इसके बारे में रिसर्च कॉन्सटेंटली हो रही है जब हम जब मैं अपनी ट्रेनिंग करी थी और इम्तिहानों की तैयारी कर रही थी तो एक रिसर्च आर्टिकल जो पढ़ा था और ये यूरोपियन जर्नल में छपा था और उसमें उन्होंने रोमन उर्दू में लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब मुझे हर जगह दर्द होती है तो उन्होंने कहा था कि इसे बेगम सिंड्रोम कहते हैं ओके okay. और ये आ, मैं बहुत आई वाज रियली सरप्राइज कि पाकिस्तान में हम इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बात करते अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है लोग इसके बारे में बात करते हैं और इसकी प्रेजेंटेशंस बहुत वाइड वेरियंट हैं ये लोग ज़्यादा थकते हैं सो टायर्डनेस फटीग लेथर्जी ऐसा होगा कि आप जैसे हम में से कोई एक्सरसाइज करेगा तो हम एनर्जाइज फील करेंगे ये शायद एक्सरसाइज के बाद और टायर्ड फील, फील करेंगे बॉडी एक्स एंड पेन्स सोने के बाद उठेंगे पूरी रात सोएंगे फिर भी उठेंगे लेकिन वो रिफ्रेश स्लीप नहीं होगी uh -huh. तो कांस्टेंट थकन होगी आ, सर में दर्द तो इस किस्म के बहुत से इनके सिम्टम्स हैं कुछ स्पेसिफिक कुछ वेग